करनाल के घरोंडा शहर में एक व्यापारी को गोली मारने के मामले में आज बड़ी संख्या में व्यापारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने कहा कि यहां पर आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है और अब तो लुटेरे सरेआम व्यापारियों को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। बार बार प्रशासन के संज्ञान में मामला जाने के बाद भी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, जिसके रोष स्वरूप आज बड़ी संख्या में शहर के तमाम व्यापारियों ने अपने कारोबार बंद कर सड़कों पर उतरने का फैसला लिया। उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए ताकि व्यापारियों को उचित सुरक्षा मिल सके। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से बात करके यहां पर सुरक्षा के लिए और पुलिस बल मंगवाया जाएगा। इसके अलावा गश्त भी बढ़ाई जाएगी और राइडर के चक्कर भी ज्यादा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अधिकारी ने कहा कि आम नागरिक से भी पुलिस द्वारा सहयोग की अपील की जाती है कि वह ऐसे शरारती तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि इस प्रकार की वारदातों को होने से रोका जा सके। इनको फर्दर गश्त के लिए मैंने बताया है। इनकी डिमांड थी कि प्रत्येक चौक पे शाम के टाइम कोई पीसीआर या राइडर खड़ी हो। वो मैंने इनको इनसे बातचीत की है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक रोड पे, लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा जितनी गश्त होगी वो बढ़ाएंगे शाम के टाइम 5 से 8 बजे तक, और अपनी पीसीआर राइडर्स को शहर में रखेंगे बाजार में। और एक इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जैसे पिछली वारदात को हमने तुरंत 7-8 घंटे में इनको सॉल्व कर लिया था, और ये सिर्फ इनके सहयोग की वजह से हो पाया था। इनके हमने कैमरे चेक करवा दिए थे, लेकिन रात भी जैसे 2 घंटे इन्होंने कैमरे नहीं चेक करने दिए। आप फिर कोई दुकानें बंद है तो कैमरे हम चेक नहीं कर पा रहे। पिछली बार की सीसीटीवी के आधार पर कितनी जल्दी हमें सफलता मिल गई, और यही मैंने इनको रिक्वेस्ट भी की है और ये भी कहा है कि हमारा थोड़ा सा सहयोग करो ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हमें मिलाई जाए। तो क्या कुछ करा जाएगा? अभी तक जाम पे बाने हैं, जाम खोलने के लिए बैठे रहेंगे? ये बन गए हैं और इनमें से कुछ आदमी अपने थाने में आएंगे और आगामी उसके लिए अनुरोध करता हूँ और जनता से भी अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखे। मैंने अब कह दिया प्रशासन को, अगर 24 घंटे के अंदर जिसने भी ये वारदात की है नहीं होगा, मैं इन भाइयों के साथ थाने का घेराव भी करूंगा और सड़क जाम भी करूंगा। जी सर, क्या कुछ कहना चाहते थे? 15 दिन में चौथी वारदात है, प्रशासन की बहुत ज्यादा ढील है जी, और पुलिस का सारा जो जान है ना वो मास्क के चालान काटने पे, मोटरसाइकिलों के चालान काटने पे। व्यापारी वर्ग बहुत दहशत में है और प्रशासन बहुत ज्यादा ढील करता है। तो आगामी भविष्य में जो अगर मांगे जो है आश्वासन देकर चले गए? बिल्कुल, आश्वासन देकर चले जाते हैं और कुछ नहीं होता। 15 दिन और लगातार वारदातें हो रही है, प्रशासन अपना गोली दे के चला जाता है। जी सर, व्यापारी में फायरिंग की घटना हुई है, इस मामले में अभी तक की क्या कार्रवाई? ये कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि विनोद जुनेजा जी हैं जिनकी दुकान है किराने की, और जो कि थोक के व्यापारी हैं जिनकी उम्र करीब 50 साल के आसपास है। तो हमें कल शाम को सूचना मिली कि भाई इनके ऊपर इनकी दुकान में घुस करके 3 अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी है, जो नकाबपोश थे, जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था और एक ने उनमें कैप भी पहनी हुई थी। जो सूचना मिलते ही SHO और CIA टीम और मैं स्वयं खुद मौके पर पहुंच गए थे। CCTVs को हमने देखा है, जो तीन लोग जो हैं उनको फिलहाल अब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस प्रयास में हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से व्यापारी भाइयों को कि वो हमें इस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग दें ताकि हम लोगों को जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें, उनको अरेस्ट कर सकें। सर, कई बार घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह की, चाहे बंदूक की नोक पे चाहे वैसे हों, व्यापारियों को जानलेवा हमले का सामना करना पड़ता है। प्रशासन इस मामले में नाराजगी भी है व्यापारियों की, आप उन्होंने जाहिर भी किया है, तो ऐसे में आगे क्या करेंगे? व्यापारी वर्ग के जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं और जो इनके जो व्यापार मंडल है, उन लोगों से अभी बात हुई है हमारी, तो इन लोगों ने 2-3 बातें रखी हमारे सामने। जैसे एक तो CCTVs का एक रखा है प्रपोजल कि भाई CCTVs यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। तो मैं सोमवार को मैं एक बार DC साहब और SP साहब से बात करके एक बार इस विषय में मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो CCTVs की मात्रा यहाँ पर बढ़वाएँ। और राइडर्स के लिए इन्होंने कहा कि भाई राइडर्स हमारे यहाँ पे बढ़ाई जाएँ, तो वो मेरे SP साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम 2 राइडर्स आपको शाम तक देंगे। अभी फिलहाल क्या स्थिति है शहर में? अभी फिलहाल कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। नहीं, राइडर्स की क्या स्थिति है, गश्त कितनी होती है? हाँ, हमारे पास
राइडर गश्त का जहाँ तक सवाल है, एक राइडर है हमारे पास, एक PCR है और एक एस्ट्रो मोबाइल है और हमारी फुट पेट्रोलिंग भी होती है। अगर कई बार क्या होता है कि कुछ मुलाजम किसी रोड ड्यूटीज़ के लिए भाज ले आते हैं तो उस टाइम हम कई बार फुट पेट्रोलिंग नहीं कर पाते, अन्यथा हम फुट पेट्रोलिंग ही भेजते हैं। और मैं खुद भी कई बार जो है पर्सनल व्हीकल में, सिविल ड्रेस में, मैं भी कई बार यहाँ से इस शहर को देखने के लिए मैं निकलता हूँ यहाँ से। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक